आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है उस राज्य का नाम बताइए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक ने ध्यान रखिएगा अगर पूछेगा किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर तो कर्नाटक आपको नाम ध्यान रख लेना है नंबर सेकेंड किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है आप ऑप्शन देख के जरूर समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गरीबी है 2020-21 का जो सर्वे हुआ था उसी में आपको ये बताया जा चुका है ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर लिखा गया है देखिए बुक और राइटर के बारे में आपको एक क्लास दे दिया गया है ऊपर आपको आई बटन में यहाँ पे लिंक दिखेगा वहाँ से आप क्लास को देख सकते हैं जिसमें कि 245 फोर्टी फाइव बुक और उनके ऑथर के बारे में बताया जा चुका है देखिएगा हर एक प्रैक्टिस सेट में दो तीन आपका जो बुक और ऑथर है उनके बारे में आ ही रहा है तो इस टॉपिक को आपको क्लियर कर लेना है इसीलिए आपको उसका क्लास दे दिया गया है निम्न में से किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का हापुस आम को जीआई टैग दिया जा चुका है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट दो के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश पूछेगा तो फिनलैंड है और सबसे अगर खराब कंडीशन कंडीशन में पूछ ले कौन सा देश है तो आपको क्या बताना है बताइए अफगानिस्तान आपको बताना है ध्यान रखिएगा नंबर सेवन किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज की गई है देखिए सबसे ज़्यादा पूछेगा ना 2021 का रिपोर्ट आया था उसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछेगा लक्ष्यद्वीप आपको बता देना है नंबर नाइन देखिए यहाँ पे बताना है आपको जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड नाइन्टीन वैक्सीन किस देश ने बनाया तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा रूस के द्वारा जानवर के लिए पहला कोविड नाइन्टीन वैक्सीन बनाया गया था हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स के द्वारा हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक लिखा गया है अभी आपने एक पहले देखा था दूसरा अभी आपने देख लिया दो पुस्तक आपको देखने को मिल गया ठीक है नेक्स्ट हो सकता है और एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आप इस टॉपिक को जरूर कवर कर लीजिए अच्छे से पौधे में इन चारों में से किस हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑक्सीन के वजह से यहाँ पे आपको ऑक्सीन डालना है पौधे में ऑक्सीन हार्मोन के संचार के ही वजह से प्रकाश की ओर झुक जाते हैं प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है ऑप्शन नंबर बी पुंकेश्वर और स्त्री केशर जो है ना प्रजनन के लिए फूल में आवश्यक अंग है ध्यान रखेंगे कौन सा पुंके, पुंकेश्वर और पुंकेशर और स्त्री केशर मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर मेड्यूला के द्वारा मेड्यूला का क्या काम होता है रक्त दबाव लार उल्टी सबको क्या करना जैसे मतलब कहिए कि नियंत्रित करना कंट्रोल में करने का काम होता है आपको पता है हाइपोथेलमस के द्वारा क्या होता है भूख प्यास प्यार और जो आपको रिस्पेक्ट करना है या फिर नफरत करना है ये सारे सारा जो नियंत्रित किया जाता है ये हाइपोथैलमस से ही होता है कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है देखिए जानवर में इंसुलिन थायरोक्सिन और एडिलिन जो है ये पाया जाता है बट ऑक्सीजन नहीं होता है ये आप ध्यान रखिएगा ठीक है निम्नलिखित में से किस कोशिका कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है देखिए ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम को ध्यान रखेंगे कोशिकांग को कोशिका का ये क्या होता है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं अगर अस्तन अस्तनी वर्ग के प्राणी के बारे में पूछेगा उसमें चार और मछली में अगर आपसे पूछता है उसमें दो होता है ध्यान रखिएगा मछली में दो हृदय हृदय में दो मतलब कहिए कि कक्ष होते हैं नंबर सेवेंटीन देखिए निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बीज पत्र कौन सा यहाँ पे बताना है कि एक सरल अस्थाई उत्तक नहीं है सरल अस्थाई उत्तक पूछा है कि नहीं है तो देखिए शीर्षस्थ विविज्योतक कोलेनकाइमा और कैम्बियम यह तीनों अस्थायी उत्तक है बट ये जो आपका जाइलम है ना यह अस्थायी उत्तक नहीं होता है ध्यान रख लीजिएगा निम्न में से कौन सा रोग विटामिन बी थ्री की कमी से होता है ऑप्शन नंबर डी पेलाग्रा जो है ना ये विटामिन बी थ्री की कमी से होता है ध्यान रखेंगे जठर ग्रंथियों द्वारा जठर ग्रंथियों द्वारा श्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बताइए इन चारों में से किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना आपका ये पेप्सिन को ध्यान रखिएगा किसको तो पेप्सिन को क्या करता है पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को ये आसान कर देता है त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग अगर तुरंत ऋणात्मक होगा तो ये घटेगा ध्यान रखिएगा ठीक है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब जब क्या होगा जब विस्थापन बल की दिशा में होता है ठीक है बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा जब विस्थापन विस्थापन जो होता है यह बल की दिशा में होता है तभी यहां पे बताना है कि 350 दिया हुआ है तीन सौ पचास एन का एक बल पाँच सौ के जी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न जो त्वरण है वो कितना होगा बताइए कितना होगा तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या दिया है फोर्स आपका कितना है तीन सौ पचास न्यूटन है ठीक है फिर आपका मास दिया हुआ है कितना पाँच सौ के जी है फाइव हंड्रेड के जी ठीक है क्या पूछा है त्वरण क्या होगा यानी कि एक्सलेशन पूछा है आपसे ए बराबर क्या होगा बताइए ए बराबर आप जानते हैं कि एफ बराबर आपका एम बाय ए होता है तो ए बराबर क्या हो जाएगा ठीक है अब इसे आप एफ कितना दिया हुआ है तीन सौ पचास बाय मार्स दिया हुआ है आपका पाँच सौ इसे बस आपको कटाना है जीरो से जीरो जाएगा इस जीरो से पाँच से दस बार में पाँच से तीन पॉइंट पाँच हो जाएगा यानी कि आप इसे जब कटाएंगे तो आपका आ जाएगा जीरो पॉइंट सेवन आएगा ठीक है तो आपको पता है जीरो पॉइंट सेवन आया तो ये आपका किस में आएगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना जीरो पॉइंट सेवन एम एस टू दी पावर आपका माइनस टू में आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है तो अगर पूछेगा गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई तो आपको ऑप्शन नंबर ए एन एम स्क्वायर बाय के जी स्क्वायर आपको ये प्लेटफॉर्म का साइंस का जो सेट था दिया गया था उसमें इन सब चीज़ चीज की चीज़ के बारे में अच्छे से बताया जा चुका है घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है क्या होगा राइट आंसर तापीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही जवाब ठीक है घर्षण द्वारा किए गए कार्य का मतलब कहिए कि क्षय नहीं होता है वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है मतलब खत्म ना होकर के वो तापीय ऊर्जा के रूप में बन जाता है प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब जब एक बार परावर्तन हो जब वो क्या होता है एक बार परावर्तन होता है और दो बार अपवर्तन होता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए और सी होगा यानी इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर डी दिया हुआ जो कि आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे बताइए कि कौन सा कथन सही है देखिए चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है यह सही है बहुत बार आपको यह सब बताया जा चुका है सिलिकॉन और जर्मेनियम और चालक का उदाहरण है बताइए तो क्या यह सही है देखिए और चालक का नहीं होता है ध्यान दीजिए सिलिकॉन आपका जर्मेनियम है कार्बन है सिलिकॉन कार्बन और जर्मेनियम ना ये अर्ध चालक जिसे आप सेमी कंडक्टर के नाम से जानते हैं ना तो इसका ये उदाहरण है अचालक का नहीं है ये बस आपका गलत है नेक्स्ट देखिए चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है यह भी आपका सही है तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी टीक करेंगे पहला और तीसरा बिल्कुल सही है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः बताइए किस चीज़ पर निर्भर करता है तो घनत्व और प्रत्यास्था इन दोनों पर क्या होता है किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है अटल नवाचार मिशन एक पहल है किस चीज का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर अटल नवाचार मिशन जो है ना नीति आयोग का एक क्या है पहल है प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2011-12 में प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना मतलब उसको कहिए कि लागू बजट में लाया गया था राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव बताइए राजस्व घाटे की अपेक्षा ना राजकोषीय घाटा जो है हमेशा कैसा होगा ये पूछा है तो हमेशा क्या होगा ये आपका अधिक हो जाएगा ठीक है वित्तीय वर्ष को बदलकर एक जनवरी से इकतीस दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है ये आपको लास्ट वाले एक दो प्रैक्टिस सेट पहले में बताया जा चुका है मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर सी राइट थ्री बताइए कह रहा है कि इसमें से किसने अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह में भाग नहीं लिया था आप आराम से वीडियो को रोक कर सही जवाब इसका थर्टी थ्री लिख के कमेंट करिए यह सवाल एक आपके लिए छोड़ा जा रहा है प्रैक्टिस सेट में बहुत ही बार यह सब यह बताया जा चुका है आपको मानव बलि प्रथा का निषेध करने वाला करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जो जनजाति थी ना उसका नाम बताइए तो वो कौन सी जनजाति थी ऑप्शन नंबर ए खून जनजाति ध्यान रखिएगा इसे ना आप ऐसे समझिए जो मानव बलि होता था ना पहले खून जनजाति खून जनजाति के द्वारा किया जाता था और मतलब कहिए कि इसे अंग्रेज नहीं ने इन्हें रोक दिया था जिसकी वजह से कि अंग्रेज के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था और ये जो बलि प्रथा चलती थी ना इसे कुछ और भी नाम से जाना जाता था अगर पूछ ले कि खूंड जनजाति के द्वारा मारिया प्रथा होता था और उसे आप किस नाम से जानते हैं क्या था वो तो मानव बलि देना होता था उसे ही आप खूं जनजाति में जानते थे मारिया के नाम से बहुत ही ज़्यादा एजी क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बताइए कौन थी ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट बनी थी कब तो इन्होंने ना 1917 ईस्वी में जो कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था यहाँ पे इन्होंने ही अध्यक्षता किया था की थी इन्होंने ही हुए शांग ने की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का जो प्रसिद्ध नगर था वो कौन सा था ऑप्शन नंबर ए वाराणसी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे बताइए कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय जो है ये आत्मीय सभा के क्या थे संस्थापक थे ठीक है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा क्या किया गया था ये लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मतलब पहले मराठा सरदार थे बताइए कि किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध प्रशासन को समाप्त किया गया था कहाँ पर बंगाल में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी आपको लास्ट वाले प्रैक्टिस सीट में भी समझा दिया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन से ये संबंधित रहे थे इनसे क्वेश्चन बन के आपका बिहार स्पेशल में काफ़ी बार यही आ रहा है ठीक है भारत छोड़ो आंदोलन और जयप्रकाश नारायण नाम आप याद रख लीजिएगा इन्हीं से रिलेटेड थोड़ा सा इधर उधर बात को घुमा के पूछा जाएगा हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चौलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है ऑप्शन नंबर बी थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है ना इसके लिए आप चौलिस्तान शब्द का जो यूज कर रहे थे कब हड़प्पा संस्कृति किसके कब तो किसके लिए हड़प्पा संस्कृति के लिए, लिए। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा खेतरी का यह सूचक के रूप में से आप जानते हैं सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति या जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा पदाशिवा जो संविधान संशोधन रहा था इसी के तहत जो कि आपका पूछेगा कब हुआ था तो वर्ष 2001 हजार ईस्वी में यह हुआ था ठीक है ध्यान रखिएगा आइए नंबर फोर्टी फोर देखते हैं लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है कैसे किस कंडीशन में तो ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद की सलाह पर किनके द्वारा तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है ऑप्शन नंबर सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में बताइए कि कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है ऑप्शन नंबर डी मूलभूत अधिकार में कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है ना ये मूलभूत अधिकार में नहीं रखा गया है निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्राय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी गवर्नर अगर यहाँ से सिफारिश कर दे तो राष्ट्रपति शासन लगाना होता है राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छः वर्षों के लिए चुना जाता है पंचायती राज का जो प्रमुख लक्ष्य है वो क्या है तो पंचायती राज का जो मुख्य लक्ष्य है न वो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना रहता है वर्तमान समय में नौवीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं ऑप्शन नंबर डी वर्तमान समय में नौवीं अनुसूची में टोटल दो सौ चौरासी अधिनियम है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है इसका प्रमुख कारण क्या है ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट है स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन होगा राइट आंसर सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यूरेनियम विधि से प्राच, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु को मापी जाती है मोनालोवा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है ऑप्शन ए सक्रिय ज्वालामुखी का मोनालोवा उदाहरण है ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए बताना है कि भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया गया समझिएगा भौतिक मानचित्र में इन सब में से पाँचों में से क्या शामिल है तो देश या राज्य की सीमाएँ शामिल नहीं है पर्वत मैदान पठार महासागर इन सब को न भौतिक मानचित्र में शामिल किया जाता है भारत की स्थलीय सीमा से कितने देश स्थलीय सीमा के साथ कितने देश यहाँ पे लगा हुआ है ये पूछा है तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए पाकिस्तान के साथ भारत का सीमा लगता है सेकेंड पे आप देख लीजिए नेपाल होगा फिर आपका चीन है फिर आपका बांग्लादेश हो गया चार हो गए अफगानिस्तान ठीक है अफगानिस्तान फिर आपका ले लीजिए एक भूटान और एक लास्ट आपका म्यांमार इन सब के साथ भारत अपनी सीमा साझा करती है ठीक है आपका कितना हो गया चार तीन सात सात राज्यों सात राज, देशों से करती है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाला वन पाया जाता है किस देश को प्यासी भूमि कहा जाता है प्यासी भूमि का देश के नाम से आप किसी जानते हैं तो ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के देश के नाम से जाना जाता है क्यों क्योंकि वहाँ पे ना बारिश समझिए कि नहीं के बराबर होता है इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होती है अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से कैसे अलग होती है ये बता दीजिए बस ऑप्शन नंबर सी जिबला जिब्राल्टर जल संधि जो है ना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किससे यूरोप से क्या करती है अलग करती है कौन जिब्राल्टर ध्यान रखिएगा टमाटर में कौन सा अम्ल होता है टमाटर में आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में कौन सा ऑक्जेलिक आपको बताना है आपका जो टार्टरिक अम्ल है बताइए इसमें क्या यह किसमें तो आपका इमली हो जाएगा ठीक है एसिटिक अम्ल के बारे में बताइए किसमें मिलेगा आपको सिरका में एसिटिक मिलता है और आपका सिट्रिक में क्या होगा संतरा ध्यान रखना है में आपको सिट्रिक मिलेगा ठीक है वर्षा का जल का जो पीएच मान है वो कितना से कम होने पर वह अमलीय हो जाता है अमलीय वर्षा जो कहलाता है तो वो ऑप्शन नंबर बी पांच पॉइंट छ से, से कम हो जाने पर अमलीय वर्षा कहलाता है ठीक है नंबर सिक्सटी वन म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि आप एस को किस नाम से म्यूरी एटिक अम्ल के नाम से जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या पूछा है समझिए ऊपर से अगर आप नीचे जाएंगे ठीक है यानी कि यहां से ऐसे नीचे जब जाएंगे पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयनन ऊर्जा क्या होता है घटता है कोरंडम निम्नलिखित में से किसका अयस्क है तो ऑप्शन नंबर सी कोरंडम जो है ना ये एलुमिनियम का अयस्क होता है ठीक है निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि विद्य विधि से नहीं होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए जी ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है नंबर सिक्सटी फाइव निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं है रासायनिक रूप से ना निष्क्रिय पूछा नहीं है तो हाइड्रोजन जो है ये नहीं है बाद के हीलियम आर्गन क्रिप्टॉन है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बताइए नंबर सिक्सटी सिक्स का क्या होगा राइट आंसर प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान पूछे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यह कहाँ पे तो गांधीनगर में है ठीक है, है हैदराबाद आपका है यहाँ पे राष्ट्रीय है, हैदराबाद में राष्ट्रीय भूतापीय अनुसंधान है, है, है। चंडीगढ़ में जीवाणु प्रौद्योगिकी अनुसंधान है ध्यान रखिएगा मुखौटा नृत्य के बारे में जरा बताइए किस राज्य का ये लोकनेत है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश का लोक लोकनेत्य पूछेगा तो मुखौटा आपको बताना है ठीक है राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी का कौन सा राजघाट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है सिक्सटी नाइन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आठ सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में आप मनाते हैं ठीक है ये जो आपका 12 अगस्त है विश्व युवा दिवस मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया जाता है इसका भी क्लास आपके लिए है उसे आप देख लीजिएगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको इसका भी क्लास दिवस के बारे में खास करके देख लेना है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है मुख्यालय से भी क्वेश्चन आ रहा है इसका भी क्लास आपको बहुत जल्द मिल जाएगा उसे भी देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर लंदन में है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछेगा तो लंदन में है बताना है भारत में जंगली गधे की प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी कच्छ का जो रन है यहाँ पे जंगली गधे का कि मतलब निवास स्थान है ठीक है पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच शब्द से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को परिभाषित करता है ऑप्शन नंबर सी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं इसे कौन सा परितंत्र से आप कहिए पर, परिभाषित करते हैं वोरीविली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है आप यहाँ पे ना नाम से भी समझ गए होंगे बोरीविली अगर पूछेगा तो महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पे जैसे आपका हिरण है सांभर तेंदुआ जंगली सुवर ये सारे रहते हैं ध्यान रखिएगा विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है ठीक है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित पूछेगा क्या पूछेगा बाघ रिजर्व ये ध्यान रखिएगा तो आपको क्या बताना है नाम उसका क्या है नाम दफा ठीक है नाम दफा कहां पर अरुणाचल प्रदेश में यह है ध्यान रखिएगा ठीक है